नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस द्वारा वैक्सीन की लॉन्चिंग पर जो ढिंढोरा पीटा गया उसकी हवा 48 घंटे में ही निकल गई। हालांकि रूस द्वारा अड़बड़ाहट में उठाया गया यह कदम इलाज से ज्यादा अपने घमंड का प्रदर्शन अधिक था, मगर उसका एक घमंड चूर होने के साथ जग हसाई का सबब भी बन गया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया, खासतौर से पश्चिम देश, उसका जमकर मखौल उड़ाए, पर जब नेक नीति खराब हो तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। रूस की इस पुतनिक वी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह प्रश्न चिन्ह उसने दुर्भावनावश या अकारण नहीं लगाया है, बल्कि रूसी वैक्सीन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके मद्देनजर ऐसे सवाल जन्मे हैं। चर्चा तो यह भी हो रही है कि पुतिन ने अपनी छोटी बेटी कैटरीना को भी इसके लिए बलि का बकरा बनाया है। रूसी राष्ट्रपति जो अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं, उन्होंने वैक्सीन के प्रचार के लिए अपनी बेटी को दुनिया के सामने कर दिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पुतिन की बेटी का कोई वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, बल्कि यह एक प्रीप्लान ड्रामा था ताकि दुनिया को विश्वास दिलाया जा सके कि रूस की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कारगर है। मगर अब रूस की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। ऐसे खुलासे लगातार हो रहे हैं जिसके बाद रूस की कोरोना वैक्सीन नाइट्रस ऑक्साइड की शीशी बन गई है। अब वह चौंकाने वाला खुलासा भी जान लीजिए जिसकी वजह से स्पुतनिक वी संदेह के घेरे में है। रूसी दस्तावेज के मुताबिक 38 वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने के बाद बेहद डरावने परिणाम सामने आए हैं। इन लोगों में 144 तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। इनमें 27 तरह के साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिन पर बात ही नहीं की गई है। 5 वॉलंटियर्स की हालत तो काफी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा पुतिन का वह दावा भी हवाई हो गया कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद लोगों के शरीर में काफी मात्रा में एंटीबॉडीज बनी है। हर बीते दिन के साथ यह साबित हो रहा है कि रूस द्वारा सारी कोरी अफवाह फैलाई गई। एंटीबॉडीज औसत स्तर से भी कम बनी थी। मजे की बात यह है कि यह खुलासे रशियन न्यूज एजेंसी फोंटांका ने किए हैं। उसने कहा है कि वॉलंटियर्स के शरीर में दिखने वाले साइड इफेक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। रूस की सरकार लोगों की जान से खेल रही है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट बेहद ही डरावने नजर आ रहे हैं। इनमें शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना, भूख नहीं लगना, सिर दर्द, डायरिया, गले में सूजन, नाक बहना, बुखार और सिर दर्द जैसे लक्षण हैं। इसके अलावा जो गंभीर साइड इफेक्ट हैं, सरकार उन्हें छुपाने पे लगी है। रूस की बदनीयति पर सवाल इसलिए भी उठे हैं कि दुनिया भर में जारी वैक्सीन के ट्रायल से संबंधित डेटा शोध कर रही टीमें रोज सार्वजनिक कर रही है। WHO को इन टीमों की प्रगति की पल पल की जानकारी है, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि इसके पक्ष में WHO या दुनिया के किसी संगठन को डेटा नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई है। जो टीमें यह काम कर रही है उन्हें इसका पालन करना ही होता है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट दी है, जबकि 139 वैक्सीन अभी क्लिनिकल स्टेज में है। आश्चर्य की बात यही है कि इसमें रूस की वैक्सीन का कहीं नाम नहीं है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस ने वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ा साइंटिफिक डेटा पेश ही नहीं किया है। ऊपर से वैक्सीन से जुड़े सभी ट्रायल मात्र 12 दिन में ही पूरे कर लिए। हद तो यह है कि तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही वैक्सीन का मास वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी यह लोगों की जान से खेलने का रूसी आविष्कार उसकी पुंगी बजाने के साथ मखोल भी उड़ाने वाला है। तार्किक रूप से देखा जाए तो रशिया का ऐसा करना न केवल शर्मनाक है, बल्कि एक तरह से घटिया फैसला भी है। ट्रायल की गाइडलाइंस को नजरअंदाज करके वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों को देना पूरी तरह गलत है। वैक्सीन की पर्याप्त जांच के बिना इसे लोगों को देना खतरनाक साबित हो सकता है। रूस ने भले ही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया हो, पर इस वैक्सीन में किसी भी देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब यह बात साफ हो गई है कि रूस का वह दावा खोखला निकला जिसमें उसने कहा था कि कई देशों ने वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए रूस ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनसे मिली अहम जानकारी के मुताबिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है इसे जानने के लिए क्लिनिकल स्टडी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा रूस तीसरे चरण के ट्रायल की जानकारी देने के लिए ही तैयार नहीं है। WHO ने स्पुतनिक वी का रजिस्ट्रेशन करने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद बौखलाए रूस ने इसे पश्चिम देशों की साजिश करार दिया है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिनदेव ने कहा है कि हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। यानी पूरी दुनिया को उल्लू बनाने वाला रूस अब अपने ही जाल में उलझता जा रहा है। स्थिति यह है कि रूस की मीडिया भी स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रही है, जिसके बाद रूस अपने ही घर में गिरने लगा है। बड़ी बात यह है कि रशियन लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंकित है
और वैक्सीनेशन का सामना करने से डर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन के प्रचार में रूस ने भारत को घसीटने की भी कोशिश कर डाली। रूस ने वैक्सीन के खरीदारों में भारत का नाम भी लिया था, साथ ही सऊदी अरब और यूएई के नाम भी लिए गए। पर वास्तविकता यही है कि भारत रूस के हथियार को तो भरोसेमंद मानता है, पर यह वैक्सीन उस लायक नहीं है। भारत में खुद इतना सामर्थ्य है जो वैक्सीन बनाने और उसके उत्पादन में महारत रखता है। कम से कम भारत कोरोना की वैक्सीन किसी भी देश से नहीं खरीदेगा। भारत खुद वैक्सीन बनाने के करीब है। भारत 60% वैक्सीन का उत्पादन करके दुनिया को देता है, पर इसकी आड़ में रूस का दांव यही था कि भारत जैसा विशाल देश भी उससे वैक्सीन खरीद रहा है। ऐसा करने से एक सकारात्मक असर दुनिया पर डालने की कोशिश की गई। रूस भारत का मित्र देश है, इसमें भिन्न राय नहीं हो सकती है। संभवतः भारत ने खामोश रहना उचित समझा और रूसी दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर लगता यूं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस की जिस तरह से छिछलेदार हो रही है, रूस उससे सबक लेने को तैयार नहीं है। खोखले दावों से दुनिया एक बार जरूर चौंक सकती है, मगर स्पुतनिक वी पर खुलासे के बाद खुलासे ने रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल यह भी उठा कि जब दुनिया का कोई भी देश वैक्सीन को लेकर बेहद गंभीर है, रूस ने इसकी लॉन्चिंग पर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई। पहले ऐलान किया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन ट्रायल के तीनों चरणों में कामयाब रही है। अब पता चल रहा है कि तीसरा चरण पूरा ही नहीं किया गया है। इससे बेहतर तो पतंजलि की कोरोना के लिए रही है, जिसे कम से कम इम्यूनिटी बूस्टर का लेबल तो मिल गया। स्पुतनिक वी तो इस लायक भी नजर नहीं आती है, क्योंकि इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट अभी से नजर आने लगे हैं। भारत की स्वदेशी वैक्सीन निसंदेह शानदार परिणाम देगी। भारत को अपने वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। भारत आज वैक्सीन के लिए किसी भी देश की तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि अपनी स्वदेशी वैक्सीन के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार कर चुका है, पर बावजूद इसके रिकवरी रेट भी बहुत शानदार रहा है। इसलिए भारत में वैक्सीन की जरूरत तो है, पर या ना रूस की तरह हड़बड़ाहट है और ना अमेरिका की तरह घबराहट है। लोग कोरोना की गंभीरता को लेते लेते अब उसे जीवन का हिस्सा मान बैठे हैं। कोरोना की उत्पत्ति के वक्त जो भय था, अब वह हाशिए पर चला गया है। यानी हिंदुस्तान कोरोना से लड़ने में महारत हासिल कर चुका है। वरना 25 लाख पहुंच रहे कोरोना के मामलों की तुलना अमेरिका से करे तो वह 80,000 से ज्यादा लोगों को गंवा चुका था। इस स्टेज पर भी भारत में वैक्सीन पर संयम से काम हो रहा है। यही संयम दुनिया को कोरोना वायरस का पेटेंट उपचार देने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।